हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डायरीज। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड मेरी आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरा लास्ट हेयर केयर प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन था, उसका एक्सपीरियंस। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करती रहती हूँ, और पहले मैं ना एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती थी। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग गया तो उसके साथ मैं सारों निकाल देती थी, बट अब मैंने चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया है एंड एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड मैंने सुना है कि एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए सूटेबल है। जब भी मैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स चेक करती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो ज़्यादातर प्रोडक्ट केमिकल फ्री हों। और आजकल तो हर प्रोडक्ट पे हर ब्रांड ये लिखता है कि ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली SLS फ्री है, पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, तो ये सारी चीजें तो हर प्रोडक्ट पे मेंशन होती है। बट कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जो कमर्शियल शैम्पू होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट अब ऐसे आने लगे हैं जिनमें लिखा होता है कि इनमें जो 100% नेचुरल है। एंड जैसे कि आजकल अनियन बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो अनियन बेस्ड शैम्पू, अनियन बेस्ड कंडीशनर, हेयर ऑयल बहुत सारे ब्रांड्स ने अब मार्केट में लॉन्च किए हैं। तो इतना हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, और सबसे ज़्यादा कमी है तो टाइम की एंड पेशेंस। अनियन के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। साथ में फेनुग्रीक जो होता है वो भी हमारे हेयर फॉल के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, और जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब अनियन का अलग से अगर मैं DIY करने जाऊँ, फेनुग्रीक का अलग से DIY करने जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एंड साथ में उस DIY को रेडी करना, देन उसको अपने हेयर पे अप्लाई करना, फिर उसको 14 मिनट्स के लिए रखना, देन अगेन वॉश करना। एंड जब हम इस तरीके की DIYs करते हैं तो हमें उनके साथ रेगुलर होना पड़ता है, तभी हमें 1-2 महीने के बाद रिजल्ट मिलता है। बट एज आई ऑलरेडी सेड के टाइम की कमी है और पेशेंस तो है ही नहीं। सो इसीलिए मैं नायका को कॉल कर रही थी, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट देख रही थी जिसमें इंग्रेडिएंट जो हो वो नेचुरल हो। सो तभी मैंने देखा कि नायका पे अवेलेबल थे नायका ब्रांड के नायका नेचुरल्स अनियन एंड फेनुग्रिक शैम्पू एंड कंडीशनर। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने ट्राई करने का सोचा, क्योंकि इसमें अनियन एंड फेनुग्रिक है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप गूगल करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी इन दोनों के बेनिफिट्स की जो हमारे हेयर के लिए हैं। उसके साथ ये जो प्रोडक्ट्स थे इनके जो रिव्यूज जब मैंने देखे, रिव्यूज भी अच्छे थे। सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस आउट, एंड इसीलिए मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को बाय किया। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग। तो इस तरीके की पैकेजिंग है शैम्पू की, यू कैन सी, एंड कलर कॉम्बिनेशन इज सो क्यूट, लेवेंडर एंड वाइट कलर इज अमेजिंग, एंड नायका नेचुरल्स अनियन एंड फेनुग्रीक शैम्पू। बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो अनियन एंड फेनुग्रीक शैम्पू है ये, एंड इट सेज कि इट इज पैराबेन फ्री, SLS फ्री, क्रुएल्टी फ्री, एंड इट हैज 100% नेचुरल एक्टिव्स। देन बात कर लेते हैं प्राइस की। सो प्राइस है इसका 399, बट आपको डिस्काउंट भी बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद क्वांटिटी अगर हम इसकी देखें तो ये है 200 ml, ये है इसका शैम्पू। के बाद बात कर लेते हैं कंडीशनर की, तो कंडीशनर भी सेम नायका नेचुरल्स अनियन एंड फेनुग्रीक कंडीशनर, एंड अगेन इट सेज पैराबेन फ्री, SLS फ्री, क्वालिटी फ्री, एंड 100% नेचुरल एक्टिव्स। इसका प्राइस है 399 एंड क्वांटिटी है 180 ml। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन दैट आई वाज यूजिंग। सो बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में। सो इसको हम जैसे कि हम नॉर्मल शैम्पू करते हैं, हेयर ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं, दैट्स इट। तो शैम्पू करते टाइम अच्छा खासा झाग बन जाता है, लेकिन जो आपका हेयर फॉल आपको शैम्पू करते टाइम होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको शैम्पू करते वक्त हेयर फॉल कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, जैसा भी है वो वैसा ही रहने वाला है, नो चेंज। एंड उसके बाद हम बात कर लें कि हेयर ग्रोथ की, तो ऐसा कोई हेयर ग्रोथ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो मेरे लिए ये जो शैम्पू है ये ओके था। अपने हेयर को वॉश करने के लिए शैम्पू हमें चाहिए होता है, तो ये उस तरीके का शैम्पू है। अगर आप कोई रिजल्ट ओरिएंटेड शैम्पू या कोई स्पेशल
एक्सपेक्टेशंस के साथ इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें क्लेम किया गया कि हेयर फॉल कंट्रोल, सो इट विल नॉट कंट्रोल योर हेयर फॉल। एंड ये एक नॉर्मल शैम्पू है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद रही इसकी बात कंडीशनर की, तो कंडीशनर जो इसका है वो भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशनर है, बहुत आपके बालों को सॉफ्ट या बाउंसी नहीं करता है, नॉर्मल जो हम कंडीशनर यूज करते हैं एंड जो रिजल्ट होते हैं वैसे ही है। सो इस कॉम्बिनेशन के साथ मेरा जो रिजल्ट था वो ओके था। जैसा मैंने कहा कि हमें एक शैम्पू की जरूरत होती है अपने हेयर को वॉश करने की, तो ये उस तरीके का शैम्पू है जैसे हमारे कमर्शियल शैम्पू होते हैं। एंड जिस तरीके के इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं लाइक अनियन एंड फेनुग्रीक, वो कॉम्बिनेशन जो है कुछ आपकी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, रिव्यूज में काफी सारे लोगों ने पॉजिटिव दिए हैं एंड बट मेरा जो रिव्यू है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं बोलूंगी क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, जो था वैसा ही कॉन्स्टेंट है मेरा रिजल्ट। और उसके साथ मैंने इस शैम्पू को आई थिंक 2 मंथ तक यूज किया है एंड 2 मंथ्स यूज करने के बाद ही मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है जो इस प्रोडक्ट के साथ मैंने फील किया। एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड कि हर किसी की स्किन टाइप और हर किसी का हेयर टाइप डिफरेंट होता है, तो मे बी मुझे सूट ना हुआ हो, मुझे रिजल्ट ना मिले हो, बट आपको इनसे रिजल्ट मिल जाए आई होप। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आप इन प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहते हैं, नायका नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, तो आप जरूर ट्राई करें एंड इट्स ऑल अप टू यू। एंड आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर ये वीडियो पसंद आए है तो आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड गाइज, लाइक सब्सक्राइब ऑल आर कम्प्लीटली फ्री, सो प्लीज डू दैट। एंड हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।